الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين अमन तब याह बेहसन अम्माबाद नाजरीन कराम इससे पहले एपिसोड्स में हमने नफल नमाजों के अहकाम आदाब और फजाइल पर कुछ बातें आपके सामने पेश की थी इस एपिसोड में और इस नशस्त में उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं नफल नमाजों में सबसे पहले जिन नमाज़ों की बात की जाती है और जिन नमाज़ों की ख़ास अहमियत वारिद हुई है शरियत इस्लामिया के अंदर और अल्लाह के रसूल अलैहि वसम की अदीफ़ में जिन नमाज पर ख़ुसूसी अहतमाम किया गया है और जिन नमाज़ों को पढ़ने की ख़ास तौर से ताक़ीद आई है वो नमाज नफल जिसे हम सुन रवाब के नाम से जानते हैं आज हम उसी के बारे में कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश करने की सदत हासिल कर रहे हैं सुनने रवाब किन नमाजों को कहा जाता है ये कौन सी नमाज़ें हैं जिनको हम सुनने रवाब के नाम से जानते हैं सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है सुनने रवातब को उर्दू में आम तौर से सुन्नत मददा कहा जाता है आम तौर से सुन्नत मददा कहा जाता है यानी ऐसी सुन्नतें जिनकी शरीयत में ख़ास तौर से अहमियत वारद है अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम ने हमेशा इन सुन्नतों का अहतमाम किया है कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सुन्नतों से गफ़लत नहीं बरती है इन सुन्नतों को इग्नोर नहीं किया है इन सुन्नतों को छोड़ा नहीं है इन सुन्नतों को सुनने रवातिब कहा जाता है और ये सुन्नतें कौन कौन सी हैं अदीस के अंदर उनकी तफसीलात मौजूद हैं उनमें से एक एक पर इशाल हम तफसील के साथ बात करेंगे सबसे पहले सुनत फजर दो रकतें उसके बाद जहर के पहले की चार रकतें उसके बाद जहर के बाद की दो रकतें उसके बाद मगरिब की दो रकतें उसके बाद ईशा की दो रकतें ये वो सुनन हैं जिन्हें सुनने रवातिब के नाम से जाना जाता है और इन सुनने रवातिब का शुमार नवाफिल के अंदर होता है और नवाफिल की सबसे अहम नमाज के तौर पे होता है इन सुन रवातिब की अहमियत के लिए बस यही इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कभी भी इन्हें तर्क नहीं किया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हमेशा इनको पढ़ा कहीं से कोई किसी हदीस से ये साबित नहीं होता कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इसे तर्क किया हो लिहाजा इन सुनन नवाफ़िल का ख़ास तौर से उम्म इस्लाम कोहतमाम करना चाहिए और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को हम उसी तरह से अमल करें जिस तरीक़े से अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हमें अमल करके बताया है इस सिलसिले में इन सुनने रवातिब को अदा करने और इनको पढ़ने और इनका ख़ुसूसी एहतमाम करने के हवाले से अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दद अहादीस के अंदर इनकी फजीलत बयान फरमाई है और इनकी अहमियत बयान फरमाई है और एक मुसलमान अगर इन नमाज़ों को पढ़े तो आखिरत के अंदर उसको क्या बदला मिलेगा उसको अल्लाह सुबहाना ताली किन नेमतों से नवाजेगा और कौन से इनामात से नवाजेगा उसका तस्करा आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने अपनी मुत्द अहदीस के अंदर किया है चंद अहदीस का तस्करा यहाँ पर वो आपके सामने पेश कर रहे हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अल्लाह के रसूल सल्ला व्म ने कितना अहम मकाम इसका बताया है और कितनी बड़ी फ़ीलत इसकी बयान फरमाई है हज़रत अम हबीबा रजी अल्लाह जो जमाहत अमिन में से हैं उनसे एक हदीस रिवायत है यह हदीस सही मुस्लिम मुसाफ़िरीन और सुनबी दाऊद सलात और दीगर अदीस की क़ुतुब के अंदर यह हदीस मौजूद है हज़रत उम हबीबा रज़ील् ताली फरमाती हैं के मैंने अल्लाह के रसूल वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना अल्लाह के रसूल वसल्लम ये फ़रमाते हैं मा मिन मैमिन आब्दिन मुसलमिन तीद बन बैतनफिलजन्न अन लहू बन फिलजन्ना हज़रत रजी अल्लाह तयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्हस ने फरमाया कि कोई भी बंदा मिन आब्दिन मुस्लिम कोई भी बंदा दिन के अंदर अगर बारह रकातें नमाज अदा करता है नफली नमाजें तत्न और उसके बाद एक और शर्त गैर रफरी फ़र्ज़ के अलावा तो उसका अजर और उसकी फ़जीलत क्या है अल्लाह के रसूल सल्हुस वसम ने बैन फ़रमाया बन अल्लाहबई तनफ़िल जन्ना अगर कोई मुस्लिम बंदा अगर कोई मुसलमान शख्स दिन के अंदर बारह रकतें सुनने रवातब की अदा करता है तो इन श्ला सुबह जन्नत में उसका घर तामीर करेगा जन्नत में उसके लिए घर फराम करेगा रावी ने एक और अल्फाज बयान फरमाए हैं अल्लाह के रसूल वसम ने या तो ये अल्फ़ाज कहे या ये कहे अवबुनियाूबई तनफिल जन्ना या जन्नत के अंदर एक घर उसके लिए तमीर कर दिया जाता है तो इस हदीस से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इन नमाज़ों के अहतमाम करने वाले को कितनी अजीम बिशारत दी कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई इतनी बड़ी खुशखबरी कि इन नमाज़ों के मुसलसल एहतमाम करने वाले को अल्लाह तआला जन्नत के अंदर उसको एक घर देगा ये अपने आप में बहुत ही अजीम बिशारत है अहले ईमान को और उन तमाम लोगों के लिए जो इन सुन्नतों की पाबंदी के साथ अदायगी करते हैं और इन सुन्नतों पर पाबंदी के साथ अमल करते हैं ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है और ये उन लोगों के लिए बशारत है और उन लोगों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि जो लोग इन सुन्नतों पर जिन सुन्नतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिन पर अमल किया उन सुन्नतों को हम छोड़ देते हैं और फिर दावा भी करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शदाई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुतबे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं ये कैसी पैरोकारी है ये कैसी, कैसी वालहाना अकीदत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हम इहराफ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुनाह माफ़ थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत जो की इसलिए की कि उम्मत को ये बता सकें कि आप को बदरजे औला ये काम करना है मैं नबी होने के बावजूद इतने सारे काम और इतनी सारी जद्दोजहद और इतनी सारी इबादतें करता हूँ तो आपके लिए उम्म इस्लाम के लिए, लिए उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सुनन तिरमिजी और जामे तिरमिजी और सुनन नसाई के अंदर इन बारह रकतों की तफसील बयान की गई है चुनानचे अल्लाह के रसूल सल्ला व् ने वाहत की और बारक़ात इन कबल दोहर वरकआत नबादह वरकआत नबादल मग़रब वरकआ आता नबादल ऐशा वरक आता फजर। ये वजाहत सुनन तिर्मिजी और सुनन नसाई के अंदर मौजूद है इस वजाहत से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि सुनने रवाब कहते किसको हैं सुनने रवातब में कौन कौन सी सुन्नतें दाखिल हैं इस हदीस के अंदर ये बताया गया कि जहर से पहले चार रकतें हर के बाद दो रकतें मगरब के बाद दो रकतें ऐशा के बाद दो रकतें और फजर से पहले दो रकतें तो ये कुल मिला करके बारह रकतें बनती हैं कोई शख्स कोई मुसलमान बंदा अगर इन बारह रकतों का रोज आना तबातुर के साथ अहतमाम करता है आर्जी अमल नहीं बहुत से लोग ये समझते हैं एक दो दिन अमल करके ये समझते हैं कि अल्लाह वाली उसे जन्नत के अंदर घर तामीर कर देगा उसको जन्नत में घर फ़राहम कर देगा तो ये उसकी खाम ख्याली है ऐसे नहीं होता है बल्कि इंसान इस अमल को अपनी ज़िंदगी का जज्वे लाफक् बना ले और ये काम वही कर सकता है जो आदमी फ़रज़ का मुकम्मल तौर से अहतमाम करता हो फर्ज़ नमाजों का मुकम्मल तौर से अहतमाम करता हो और अल्लाह सुबहान मताल के लिए उसकी रज़ा और खुशनुदी के लिए इहतमाम करता हो तो ऐसा शख्स ही इन नमाज़ों का अहमाम कर सकता है इन सुन रवातिब का अहतमाम कर सकता है और जो शख्स भी खालसत वझील् अल्लाह की रज़ा जुई अल्लाह की खुशनूदी की खातिर मुसलसल ज़िंदगी भर इन परमल करता रहेगा तो अल्लाह मताल इन शाह ये नमत अजीम आता फ़रमाएगा इन फ़ाइल के बावजूद हम अगर माशरे को देखते हैं तो हमारा माशरा इन सुन्नतों से बहुत दूर जा रहा है हमारे पास इतने सारे काम होते हैं इतनी सारी मसरूफियात होती हैं इतने सारे मशागिल होते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्ला वम की सुनत पर अमल करने का अपने पास वक्त नहीं पाते मेरे अजीज़ों ये बहुत ही अफसोसनाक मरहला है कि हम अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ करके जन्नत के तलबगार होते हैं ये हमारा शरी तरीक़ा नहीं है हम सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाजों के ज़रिए से जन्नत के तलबगार हो जाएँ ये किसी भी तरह से एक मुसलमान बंदे का रवैया नहीं हो सकता इसी सिलसिले में एक और तफसीली हदीस सही बुखारी किताब व और सही मुस्लिम किताब व सलातिन मुसाफ्रेन के अंदर ये तफसली हदीस मौजूद है और इस हदीस की रावी حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ہیں حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ہیں कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुल दस रकतें अपने सीने में महफूज की यानी उन दस रकतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना उसकी अहमियत को जाना उसकी फ़ज़ीलत को समझा उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिस किया और वो दस रकतें कौन कौन है? अब्दुल्ला उमर हैं हज़रत अल्लाह तआला रल्ला फरमाते हैं कि जहर से पहले दो रखा ते जहर के बाद दो रखाते मगरिब के बाद दो रखाते ईशा के बाद दो रखा और फज्र की नमाज़ से पहले दो रकतें इस तरह से ये मुकम्मल तौर से दस रकतें बनती हैं गुज्तर रिवायत के अंदर बारह रकतों का तस्कराया इस रिवायत के अंदर दस रकतों का तस्कराया तो दोनों रिवायतों में किसी तरह का टकराव नहीं है किसी तरह का उलझाव नहीं है किसी तरह का तजाद और मुखालफत नहीं है क्योंकि बाज़ रवायात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्हम से साबित है आगे हम उसकी तफासिल इन शमाज़र की सुन्नत के हवाले से जब बात करेंगे तो वो पूरी तफसीलात बताएंगे कि बाज़ रवायात के अंदर जहर की सुनत कबलिया जो है हर की पहले अदा करने वाली जो सुन्नत है वो बाज़ रवायात के अंदर चार है और बाज़ रवायात के अंदर दो है तो ये दोनों तरह की रिवायत वारद है तो ये अल्लाह के रसूल सल्ला वसम का दोनों तरह का तर्ज़मल रहा है चार रकतें भी पढ़ी जा सकती हैं हर से पहले और दो रकतें भी हर से पहले पढ़ी जा सकती हैं ये इंसान के अपने अवकात और इंसान के अपनी मसरूफियात और इंसान के अपने, अपने मशागिल के ऊपर है कि कब इंसान को चार रकतें पढ़ने का मौक़ा मिलता है और कब इंसान को दो रकतें पढ़ तो इन दोनों अहदीस में कोई टकराव नहीं है दोनों अहदीस पर इंसान अमल कर सकता है दोनों अदादी को अपनी ज़िंदगी में इशाला नाफिज कर सकता है जाम तिरमिज़ी के अंदर थोड़े से फ़र्क के साथ ये रिवायत मौजूद है जाम तिरमिज़ी के अल्फाज अल्लाह के रसूल सलम से ये हैं हफिस्तान रसूल सल्हुस अशरकिन विलहार जाम तिरमिज़ी के अल्फ़ाज हैं हज़रत अबीमर फरमाते हैं कि मैंने आप अलैहि वसल्लम से दस रकतें सीखीं और दस रकतों पर अमल करना सीखा उनको अपने सीने में महफूज किया और अल्फाज हैं कि क्या नहीं सल्हबिल वनार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात दोनों को मिला करके इन दस रकतों को पढ़ा करते थे तो इससे यह हरगिज साबित ना हो या इससे यह हरगिज मसला ना अखज़ किया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ सुनने रवातिब ही को अदा करते थे या सिर्फ़ नवाफिल के नाम पर इन्हीं दस रकतों या बारह रकतों को अदा करते थे ऐसा नहीं है बल्कि और भी बहुत सी नमाज़ें हैं जिनकी तफसील इनशाला आइंदा आएगी उन नवाफ़िल को भी अल्लाह के रसूल सल्ला वसम मुस्तकिल तौर से अदा करते थे और अल्लाह के रसूल सल्ला वल् ने उमत को उसकी तालीम भी दी है लिहाजा यहाँ पर उनका तस्करा नहीं है तो उससे ये ना समझ लेना चाहिए कि वह नमाज़ें हैं नहीं हैं जैसे कि अरबी का एक मशहूर कायदा और रसुल फ़िक्र का एक कायदा है कि आदमो ज़िक्री लाएस तलजुम आदमी यानी किसी चीज़ का ज़िक्र ना होना इस बात को मुतलम नहीं है इस बात के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो ही ना बहुत से मकाम पर चीज़ों का तस्करा नहीं होता है बल्कि दीगर मकामा पे उनका तस्करा होता है तो सारा जख़ीर अहादीस और सारी अहादीस को इकट्ठा करके किसी मसले को निकाला जाता है किसी मसले से हदीस से इस्ता किया जाता है एक या दो हदीसों से कोई मसला सबित नहीं होता इस गुफ्तु से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि सुनने रवातब बेसिकली बुनियादी तौर से किन नमाज़ों को कहा जाता है मैं एक बार आपके सामने फिर से दोहरा देता हूँ जहर की नमाज से पहले चार रकतें सुन्नत या दो रकतें पढ़ी जाएंगी जहर के बाद दो रकतें फिर उसके बाद मगरिब के बाद दो रकतें फिर उसके बाद ऐशा के बाद दो रकतें फिर उसके बाद फज्र से पहले दो रकतें तो ये बुनियादी तौर से बारह रकतें होती हैं इन्हीं को शरीयत में सुनने रवातिब के नाम से जाना जाता है और ये नमाज बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है बस इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्हुस वसलम ने कभी भी इस नमाज को तर्क नहीं किया आप सल्ह वसम ने ख़ुद पढ़ा और इस नशिस्त में जो हदीस पेश की गई कि जो शख्स भी इसका अहतमाम करता है बन अल्लाहबई तनफन्ना यह अपने आप में इतना बड़ा एज़ाज़ है कि इससे बड़ा और एजाज़ कोई हो ही नहीं सकता है एक मोमिन बंदे के लिए इससे बड़ा और एजाज़ क्या हो सकता है कि उसकी आखिरत सवर जाए और अल्लाह सुबहान उसको इतना बड़ा इनाम दे दे और इसके अलावा एक मोमिन बंदे की कोई और चाहत नहीं होती कि अला सुबहान एक मोमिन बंदे के लिए जन्नत में आला मकाम दे दे उमल गुरूर फ़मन ़ुफ़ जहान नार व खील जन्नत फ़कत फ़ाज़ एक मोमिन बंदे की सबसे बड़ी कामयाबी यह है फ़मन ़ु़ुफ़ जहान नार व खील जन्नत फ़कत फ़ाज़ जहन्नम से हटा करके वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए यही सबसे बड़ी एक मोमिन बंदे की कामयाबी है तो ये जो सुनने रवातब हैं इनकी ख़ास फजीलत वारिद है और इनका ख़ास मक़ाम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़जीलतें बयान फरमाई हैं इन फजीलतों को एक अहल ईमान को इनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए और अहल ईमान को इन पर अमल करना चाहिए और साथ ही साथ कहीं किसी तरह की कोई गफलत और सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा अहमियत वाली यानी फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अहम नवाफिल यही नवाफिल हैं इतनी ज़्यादा अहमियत वाली है कि और दीगर नमाजों के अंदर इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती लिहाजा अहल ईमान के लिए ज़रूरी है कि अहल ईमान इन नमाज़ों का खास तौर से अहतमाम करें किसी तरह की कोई गफ़लत और कोताही ना बरतें अल्लाह सुबहान त करीब होने का सबसे अहम जरिया ये नमाजें हैं अल्लाह सुबहान का महबूब बनने का सबसे अहम जरिया ये नवाफिल हैं और क़्यामत के दिन इंसान के लिए जब एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त अल्लाह सुबहानी इन नवाफिल के ज़रिए से आपके अंदर पाई जाने वाली कोताहियों और कमियों को ख़त्म करके आपकी इबादतों को मुकम्मल करेगा और आपकी इबादतों को मुकम्मल तौर से अजर षवाब से नवाजेगा तो इन तमाम तफासिल से ये पता चलता है कि अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है कि अहले ईमान इन नमाज़ों का ख़ास तौर से अहमाम करें अल्लाह रब्लम से दुआ है कि मौला आइंदा नशिस्तों में इन श्ला सुबह हम सुन रवातिब में से हर एक की तफसीलात को किताब सुन्नत की रोशनी में बयान करेंगे हर एक के बारे में अल्लाह के रसूल सल्हम ने बहुत तफस के साथ अहदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्हु वसम ने उनके पढ़ने का तरीक़ा उनके आदाब उनके फ़दाइल और उनसे मुतालिका दीगर तमाम अहकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील के साथ बयान फरमाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि फ़जर की जो सुन्नतें हैं उनको पहले पढ़ा जाना चाहिए या बाद में पढ़ा जाना चाहिए इसी तरीके से फजर की सन्नतों के अंदर क्या पढ़ा जाना चाहिए क्यात की जानी चाहिए उसकी भी तफसल हादी के अंदर मौजूद है इसी तरीके से एक आमल है इसतजा का उसकी तफसील भी अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने बयान फरमाई उसके अलावा जहर की नमाज़ के हवाले से जहर के अंदर चार रकतें भी पढ़ी जाएंगी दो रकतें भी पढ़ी जाएंगी और अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने एक बार ऐसा हुआ कि जहर की नमाज की सुन्नतों की आप सल्ला वम ने क़़ा फ़रमाई तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आप अलैहि वसम ने सुन्नतों को कभी भी तर्क नहीं किया है ख़ास तौर से सुनने रवातिब को यहाँ तक कि आप अलैहि वम की सुन्नत किसी वजह से छूट गई किसी कबीले के साथ बात करने की वजह से लेकिन आप सल्हुस ने उसको तर्क नहीं किया मुकम्मल तौर से उसको छोड़ नहीं दिया बल्कि आप सल्ह व उसको असर के बाद अदा किया तो लोगों ने पूछा ये कौन सी नमाज़ थी तो आप ने उसकी तफसील बताएँ इसी तरीके से असर से पहले भी नमाज साबित है उसके बारे में भी हम इन बात करेंगे इसी तरीके से मगरिब के बाद की जो दो रकतें हैं और साथ ही साथ मगरिब से पहले भी जो दो रकतें हैं उसके हवाले से भी इन हम बात करेंगे और ईशा के बाद दो रकतें हैं और साथ ही साथ फिर वित्र के अहकाम वसाइल जो हैं वो भी हैं उनके ताल्लुक से भी इन बातें आइंदा नशस्तों में आएंगी कि वितर की नमाज कितनी रकत होनी चाहिए एक रकतें तीन रकतें पांच रकतें और इसी तरीके से सात रकतें नौ रकतों तक सबूत मिलता है और उसमें क्या, क्या क्या किरत की जानी चाहिए और क्या क्या पढ़ा जाए उन तमाम की तफसीत इन शबहान मताल हम आइंदा बयान करेंगे इसी तरीक़े से व्र के बाद क्या दो रकतें बैठ के पढ़ना ये साबित हैं या नहीं साबित हैं इसके बारे में भी इन शुबहान तैाल हम तफसील के साथ बयान करेंगे अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम की अहादीत की, की रोशनी में खुला कलाम ये है कि अहिल ईमान को सुनने रवाब के हवाले से बहुत ज़्यादा तहमुस और बहुत ज़्यादा अपने आप को रागब करने की ज़रूरत है और सुनने रवातब को किसी भी सूरत में ना छोड़ा जाए इसके लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है क्योंकि यह सुनने रवातब ऐसी नमाज़ें हैं जिनके बदले अल्लाह सुबहान इंसान को जन्नत देगा जब अहले ईमान इसको पूरे इखलास के साथ अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अमल करेंगे आख़िर में अल्लाह अल्लान तआला से दुआ है कि मौला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फ़रमाए सुनन रवातिब को उसी अंदाज़ से अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए जिस अंदाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करने के लिए बताया है कौली हादा अकुल अकदा खास तख्फ़रल मिन कुल्लि मिनकुलम والسلام عليكم असल الله وبركاته. ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें